स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसके सेकंड जो टाइप है वो क्या होता है तुम्हारा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एम्स, टाइप, स्टेप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हम उसका पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है तुम्हारा उसका, ये ऐसा है तुम्हारा जो रिसर्चर है, ठीक है, एक सेटिंग है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा, इट इज ए स्टडी ऑफ द तुम्हारा एपिडेमिक्स दिखता है इसका, एमंग द कॉलोनीज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ठीक है, लाइक रैट, माइस। ठीक है, ये तुम्हारा स्टडी करता है। ये क्या होता है अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, इसके ऊपर रहता है कंट्रोल ऑफ द, जो तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द तुम्हारा इन्वेस्टिगेट। ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है। इस तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है, जो असेसमेंट है जो स्टडी का, वो कौन करता है, पहला किसके ऊपर करता है, थेरेपी। ठीक है, देन बैक्सिन, एंड द लास्ट वन इज रिसेप्टर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे एम्स। तो इसके जो एम्स है वो है तुम्हारा, पहला एम्स तुम्हारा है इटोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, इटोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, क्या करता है ये, टू प्रोवाइड है तुम्हारा साइंटिफिक प्रूफ है कि जो इटोलॉजिकल जो फैक्टर है वो क्या है तुम्हारा, हाँ, ये कंट्रोल ऑफ द डिजीज करता है। ठीक है, फिर सेकंड वन इज मेजरिंग हमारा इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये क्या करता है, जो कंट्रोल ऑफ कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज को करता है, इसमें करता है जब तुम्हारा जो हेल्थ रहता है, हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी को इफेक्ट देता है, ये इफेक्टिवनेस देता है ये स्टडी। ठीक है, अब देखेंगे इसके, ये हो गए, अब देखेंगे तो उसके जैसे टू टाइप्स। फर्स्ट है तुम्हारा ये, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके पढ़ेंगे स्टेप्स। ठीक है, देन स्टेप, स्टेप में पहला है तुम्हारा प्रोटोकॉल देखते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, बस उसके बाद देखते हैं हम जो रेफरेंस पॉपुलेशन है उसे। ठीक है, इसके बाद सैंपल लिया उसमें से, सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे उसका रैंडमाइज टू ग्रुप निकालेंगे। ठीक है, टू ग्रुप निकालेंगे, टू ग्रुप निकालने के बाद हम जैसे कि सपोज तुम्हारा एक ग्रुप हो गया कंट्रोल और अदर ग्रुप हो गया तुम्हारा स्टडी ग्रुप। ठीक है, ग्रुप निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेशन। देन हम फिर क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे, एंड लास्ट क्या करेंगे हम, असेसमेंट।
ड्राइंग अप किसका करेंगे, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल निकालने के बाद क्या करेंगे, कहाँ से निकालोगे आपने, रेफरेंस तुम्हारा पॉपुलेशन से निकालोगे। रेफरेंस पॉपुलेशन के बाद क्या करोगे, एक सैंपल लोगे, ठीक है। सैंपल लेने के बाद करेंगे हाँ उसका रेंडमाइज, अलग अलग उसका दो ग्रुप करेंगे, ग्रुप अलग, एक ग्रुप हो गया तुम्हारा केस स्टडी, सेकेंड ग्रुप हो गया तुम्हारा कंट्रोल स्टडी, ठीक है। तो केस स्टडी हम फिर दोनों को क्या करेंगे, दोनों ग्रुप का हम मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप करने के बाद हमको क्या निकल आएगा, उसका असेसमेंट ऑफ आउटकम निकल आएगा। अब देखेंगे तुम्हारा प्रोटोकॉल कैसे निकालेंगे, कहाँ से तुमने प्रोटोकॉल लिया है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या रहेंगे, तुम्हारा जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, तुम्हारा एम्स, तुम्हारा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोकॉल कहाँ से है, प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका एम्स और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी निकाल देते हैं वो है। फिर हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग निकालेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टडी, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, साइज ऑफ द सैंपल, कितना साइज है सैंपल का, फिर हम देखेंगे कि जो हमने पॉपुलेशन लिया है, ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, जो सब्जेक्ट मैटर है वो तुम्हारे, हमने जो ग्रुप में ऐसे लेना है, प्रोसीजर वाइज लेना है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोटोकॉल हो गया, प्रोटोकॉल में आपको चीज और ध्यान रखना है कि जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ टू अप्लाइड, ठीक है। इसका और ये क्या है मेन, इसका प्रोटेक्टिव हमको ब्याज देता है, ठीक है, हमको ब्याज देता है। उसके बाद ये क्या करता है, ट्यू रिड्यूस द सोर्स ऑफ एरर इन स्टडी, ठीक है। जो सोर्स ऑफ द एरर है वो हमको बताता है, कौन बताता है, प्रोटोकॉल। अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे, सेलेक्टिंग, क्या करेंगे, रेफरेंस, ये तुम्हारा सेकंड है, रेफरेंस पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम उसको कैसे देखते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन, हम एक टारगेट पॉपुलेशन लेंगे, जैसे हमने कैसे लिया टारगेट पॉपुलेशन, सपोज इसमें 10 पॉपुलेशन, ठीक है, 10 पॉपुलेशन में हम उसको कैसे लेंगे, ये तुम्हारा टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है। हम इसमें से लेंगे इतने को हमने सेलेक्ट किया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया सैंपल, कितने को, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मतलब 5 लोगों को, टारगेट पॉपुलेशन में हमने पर्टिकुलर 5 को क्या कर लिया, सैंपल में ले लिया अपने स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सैंपल, ये है तुम्हारा रेफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसे जो ग्रुप है हम इसको कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, स्कूल ग्रुप से ले सकते हैं, किसी भी अदर जो जो तुम्हारे वर्कर्स हो उसमें से ले सकते हैं, मतलब हम कोई भी टारगेट पॉपुलेशन इसमें एक साइज में ले सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट का ले सकते हैं, है ना। ऐसा हम उसको किसी भी उसमें स्टडी को हम यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका हमने रेंडमाइज किया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हो गया, रेंडमाइज, ठीक है। तो हम उसको कैसे निकालते हैं, हम जो तीसरा स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप बना देते हैं, जो सैंपल लिया उसमें से हमने पहले ले लिया है स्टडी, या फिर केस ग्रुप ले लिया है, और एक हमने ले लिया है कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप ले लिया है। इसमें हम क्या देखते हैं, कंट्रोल ग्रुप में, और ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जो हमने कंट्रोल लिया है इसमें पॉपुलेशन को, वो क्या करेंगे, कन्फर्म तुम्हारा कंसेंट लेटर देंगे कि हम इस स्टडी में करने के लिए विलिंग है, ठीक है। ऐसा उनका कंसेंट लेटर लेना है, मतलब इसमें आपको जो आप जो पॉपुलेशन ले रहे हो वो आपको कंसेंट लेटर देगा। फिर हम इसका
हमने जो सैंपल जो ग्रुप बना लिया उसका कॉज देखे, उसका इसका इफेक्ट भी देखे, ठीक है। इफेक्ट मतलब आउटकम देखना है हमको इसमें, जो तुम्हारा इन दोनों के ऊपर जो फैक्टर आ रहा है, ठीक है, जो कंपाउंडिंग जो तुम्हारा फैक्टर है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ, जो तुम्हारा फोर्थ स्टेप्स है वो तुम्हारा है फॉलोअप, ठीक है। हम देखेंगे फॉलोअप। अब फॉलोअप से क्या समझ आ रहा है, हम रेगुलर या फिर इंटरवल टाइम पे क्या करेंगे, जाके देखेंगे कि जो हमारा जो स्टडी है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, फॉलोअप करेंगे। तो उसके एक फैक्टर जो होता है कि हो सकता है कि क्या जो तुम्हारा जो उसमें कभी कभी क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इंटर, कभी कभी है ना, जो तुम्हारे पॉपुलेशन में है हो सकता है उनको इंटरेस्ट नहीं है आगे हमको सैंपल लेना है, ठीक है, आगे मतलब तुम्हारा स्टडी में हमको रहना है। फिर तुम्हारा क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है कि इसमें डेथ का प्रॉब्लम भी है, अगर मान लो सपोज उनको कोई डिजीज है तो उस बीच में क्या हो सकता है, उनका डेथ भी हो सकता है, ये तुम्हारा हो गया फिफ्थ। अब सिक्स्थ में है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा फोर्थ है, उसके बाद हम देखेंगे तुम्हारा असेसमेंट, एंड लास्ट जो है वो होता है तुम्हारा असेसमेंट, ठीक है, ऑफ द आउटकम। हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ द आउटकम, तो उसमें हमारा टू टाइप्स है, उसमें पहला है टाइप तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट, हो सकता है तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट लिखे, ठीक है, देन सेकेंड वन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव भी निकल सकता है पॉजिटिव भी, जो तुम्हारा पॉजिटिव कैसे हो सकता है, तुम्हारा जो इंसिडेंट है वो क्या हो सकता है, बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है जो इफेक्टिवनेस ऑफ तुम्हारा जो इफेक्ट जो होना है वो कभी कभी नहीं आ पाता है, किसके कारण, क्योंकि मैंने से पहले भी कहा कभी कभी क्या होता है जो पॉपुलेशन है उनको इंटरेस्ट नहीं होता है आगे हमको इस स्टडी में रहना है, या फिर डिजीज के कारण क्या होता है कभी कभी किसी पेशेंट का, या मतलब तुम्हारे जो इसमें स्टडी में है उसका डेथ हो जाता है, ये हो गया तुम्हारा स्टेप, ठीक है, स्टेप हो गया। अब देखेंगे उसके एडवांटेज, उसका एडवांटेज क्या है तुम्हारा, तुम्हारा एडवांटेज तुम्हारा है ये एक साइंटिफिक तुम्हारा आइडिया मेथड है, ठीक है, ये क्या करता है, रिमूव तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ बायस दिखाता है, ठीक है, देन ये क्या करता है, जो फाइंडिंग है, ठीक है, वो क्या करता है, बिल्ड फेथ इन द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, जो तुम्हारा टेम्पररी जो तुम्हारा जो वहां पर रिलेशन बन रहा है इसका एक्सपोजर और आउटकम का, वो दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में वो क्या कर रहा है, तुम्हारा एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप बना रहा है, ये तुम्हारा हो गया एडवांटेज। अब देखेंगे डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज कि ये क्या करता है, इट नीड्स लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम, ठीक है। फिर क्या करता है, इथिकल इश्यू कभी कभी इसमें आ जाता है ना, इथिकल इश्यूज, देन इट इज एक्सपेंसिव और, ठीक है, और क्या हो सकता है तुम्हारा, ये जो ग्रुप लिया है रिस्क फैक्टर, इसमें इस स्टडी में हम रिस्क फैक्टर नहीं ले सकते, ठीक है, रिस्क फैक्टर लेने से एक चीज प्रॉब्लम आता है इसमें, इसमें हम रिस्क फैक्टर जो है ऐसे दोनों ग्रुप में नहीं ले सकते, ठीक है, पहले ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी, ठीक है, ये हो गया आपके डिसएडवांटेज। हमने डील किया है इंट्रोडक्शन, एम्स, टाइप्स, उसके स्टेप एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, थैंक यू।